हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, दौलतपुर गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। परिवार में रामू अपनी पत्नी सुनीता और अपनी इकलौती बेटी पूजा के साथ रहता था। रामू एक गरीब किसान था जो अपने खेतों में खेती बाड़ी करके जैसे तैसे गुजारा किया करता था। रामू की पत्नी सुनीता थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती थी और हिसाब किताब के काम कर लिया करती थी, इसीलिए वह भी गांव के बाहर एक कपड़े की दुकान पर काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी जैसे तैसे मेहनत मजदूरी कर अपनी इकलौती बेटी पूजा को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। पूजा की क्लास में एक दीपाली नाम की लड़की भी पढ़ा करती थी। दीपाली के माता पिता गांव के सरपंच थे और उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। दीपाली का घर भी पूजा के घर से जुड़ा हुआ था। दीपाली को अपने पिताजी के पैसों का बहुत घमंड था और वह अपने पैसों के आगे किसी की नहीं सुनती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और अब पूजा और दीपाली दोनों स्कूल से पास आउट हो गए थे। पूजा ने हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई किया, जबकि दीपाली अपने पैसों के बलबूते पर विदेश पढ़ने के लिए चली गई। पूजा अब कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी पॉकेट मनी और कॉलेज की फीस जोड़ा करती थी। पूजा के कॉलेज में एक रोहन नाम का लड़का उसका दोस्त बन गया था। रोहन दिखने में हैंडसम, पढ़ने में होशियार और एक संस्कारी लड़का था। कॉलेज की अधिकतर लड़कियां रोहन से दोस्ती करना चाहती थी। पूजा और रोहन अच्छे दोस्त थे, इसलिए वे अपना अधिकतर समय एक साथ बिताया करते थे। रोहन पूजा की स्टडीज में बहुत ज्यादा मदद किया करता था और उसकी हर एक जरूरत का ध्यान रखता था। यह सब देखकर पूजा को मन ही मन रोहन से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी पूजा से प्यार करने लगा था, परंतु कोई भी हिचकिचाहट के मारे एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं कर पाए। इसी तरह महीने और साल निकल गए। अब रोहन और पूजा दोनों पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दीपाली भी विदेश से MBA की पढ़ाई कर गांव लौट आई थी। अब यह बात दीपाली को पता चलती है कि उसके पड़ोस में रहने वाली पूजा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, तो उसे पूजा से बहुत जलन होने लगती है। एक दिन रोहन अपने घर वालों के साथ पूजा के घर रिश्ते की बात करने आता है। जब यह बात दीपाली को पता चलती है तो वह अपनी माँ के साथ बैठकर इस रिश्ते को तोड़ने की बातें करते हैं। माँ, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? उस कलमुही के लिए इतना हैंडसम और डैशिंग लड़के का रिश्ता आया है? हाँ बेटा, सुना है वह पास वाले गांव का अमीर लड़का है। पता नहीं इस गरीब के घर इतना बड़ा रिश्ता चलकर कैसे आया। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस गांव में मेरे अलावा कोई भी मेरे जितना अमीर रहे। हमें इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। इसी तरह दिन निकल रहे होते हैं। एक दिन मौका देखकर वह दोनों माँ बेटी एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे यह शादी तोड़वाने के लिए उपाय मांगते हैं। प्रणाम बाबा जी, मैं दीपाली हूँ। हमारे पड़ोस में रह रही एक पूजा नाम की लड़की मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है और मैं नहीं चाहती कि मेरी दुश्मन मुझसे आगे निकले। बाबा, पूजा की शादी एक बड़े घर में फिक्स हो गई है। हम चाहते हैं कि आप अपनी जादुई शक्तियों से पूजा की शादी तोड़वा दें। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। यह लो, यह काली शक्तियों से बना जादुई फेस पाउडर है। इस फेस पाउडर को तुम जैसे तैसे पूजा के चेहरे पर लगा देना। इसके लगाते ही वह इतनी काली और बदसूरत हो जाएगी कि उससे कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। दीपाली और उसकी माँ बाबा जी के मुँह से यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और जल्दी से बाबा से वह फेस पाउडर लेकर घर चले जाते हैं। घर आकर भी माँ बेटी रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही दीपाली अपनी माँ के साथ जाकर पूजा के कमरे में उसके फेस पाउडर की जगह बाबा जी का जादुई पाउडर रख देती है। इसके बाद वह दोनों माँ बेटी जल्दी से वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जब पूजा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो वह बहुत खुश होती है, परंतु जैसे ही वह तांत्रिक बाबा का जादुई पाउडर लगाती है वह दुनिया की सबसे बदसूरत और काली लड़की बन जाती है। यह देख पूजा हैरान रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। पूजा के रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता उसके पास आते हैं। ये लोग भी पूजा को इतना काला और बदसूरत देखकर उसे पहचान नहीं पाते।
ये सब क्या हो गया मेरी प्यारी बेटी? आने वाले कुछ ही दिनों में शादी है, अब तेरा यह काला मुंह देखकर तुझसे कौन शादी करेगा? पूजा अपनी माँ की बातें सुनकर और दुखी हो जाती है और चुपचाप कमरे में रोने लगती है। पूजा के माता पिता भी पूजा के लिए बहुत दुखी होते हैं, परंतु वह कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए वह चुपचाप अपने कम पर चले जाते हैं। पूजा अपने घर पर अकेली थी। वह अपने काले और बदसूरत चेहरे को देखकर आत्महत्या करने की सोचती है। पूजा अपना चेहरा ढककर एक नदी के किनारे चली जाती है। उस नदी के किनारे बैठकर वो बहुत जोर जोर से रोती है। हे नदी, तुम तो पवित्र हो, तुम देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर हो। यहाँ की जंगल, झरने, आसमान सब सुंदर है। लोगों को सुंदरता ही पसंद आती है, फिर भला मैं अपना एक काला मुंह, बदसूरत मुंह लेकर कैसे जिंदा रह सकती हूँ? मैं अभी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। पूजा यह सब सोचकर नदी की तरफ आगे बढ़ती है कि तभी उसे वहाँ से गुजर रही उस बूढ़ी दादी रोक लेती है। क्या हुआ प्यारी बेटी, तुम मुझे बहुत दुखी नजर आ रही हो। अगर तुम्हें कोई दुख तकलीफ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हर प्रकार से मदद करूंगी। कुछ नहीं दादी माँ, यह देखिए अचानक मेरा चेहरा कितना काला और बदसूरत हो गया है। अगले एक हफ्ते बाद मेरी शादी है, मैं अपना इतना काला और बदसूरत चेहरा लेकर शादी में कैसे बैठूंगी? इससे बेहतर है कि मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान अभी दे दूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा जन्म दिया है, तुम गरीब और लाचार की मदद करने के लिए पैदा हुई हो, तुम इस तरह नदी में कूदकर अपनी जान नहीं दे सकती। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, यह लो, यह जादुई साड़ी और फेस पाउडर है। तुम घर जाकर इस साड़ी को पहनना, तुम्हारी सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी और तुम पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगोगी। और यह फेस पाउडर भी एक ना एक दिन तुम्हारे काम जरूर आएगा। इसे भी तुम अपने पास ही रखना, परंतु ध्यान रहे इसे कभी इस्तेमाल मत करना। यह सुनकर पूजा बहुत खुश होती है और जल्दी से वह साड़ी और फेस पाउडर लेकर अपने घर चली जाती है। पूजा जैसे ही वह साड़ी पहनती है, वह पहले से कई गुना सुंदर और आकर्षक लगने लगती है। साड़ी पहनने के बाद पूजा किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, यह देखकर वह खुशी से नाचने लगती है। शाम को जब पूजा के माता पिता घर वापस आ जाते हैं, तो वह पूजा को इतना सुंदर और आकर्षक देखकर पहचान ही नहीं पाते। अरे बिटिया, तुम कौन हो और हमारी पूजा बेटी कहाँ है? क्या तुम उसकी कोई सहेली हो? नहीं पिताजी, मैं ही पूजा हूँ, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। इसके बाद पूजा सारी कहानी अपने माता पिता को सुनाती है। यह सुनकर पूजा के माता पिता बहुत खुश होते हैं और मन ही मन उन बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद देते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक हफ्ते बाद पूजा और रोहन की हंसी खुशी शादी हो जाती है। शादी में दीपाली और उसकी माँ भी आई हुई थी। वह पूजा को इतना सुंदर देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। जब सभी लोग शादी में व्यस्त होते हैं, तो दीपाली चुपके से पूजा के कमरे में घुस जाती है और देखती है कि वहाँ तो कोई जादुई पाउडर रखा हुआ है। पक्का यह कोई जादुई पाउडर है जिसकी मदद से पूजा इतनी खूबसूरत हो गई है, मुझे भी यह फेस पाउडर लगाना चाहिए। इतना कहकर दीपाली वह फेस पाउडर अपने चेहरे पर लगा लेती है। दीपाली के ऐसा करते ही वह तुरंत काली और बदसूरत हो जाती है। अपना यह हाल देखकर दीपाली जोर जोर से रोने लगती है और कमरे के बाहर नहीं निकलती। थोड़ी देर बाद जब पूजा अपने कमरे में वापस आती है, तो वह देखती है कि दीपाली तो उसके कमरे में बैठे बैठे रो रही है और वह बहुत काली और बदसूरत हो चुकी है। पूजा बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मेरी वजह से ही तुम इतनी काली और बदसूरत हो गई थी। और आज मैंने तुम्हारा यह पाउडर लगाया तो मैं अभी काली और बदसूरत हो गई हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, कृपया मुझे पहले की तरह ठीक कर दो। पूजा देखती है कि दीपाली को उसकी गलतियों का एहसास हो गया है, इसलिए वह उसे माफ कर देती है और जादुई साड़ी से बोलकर दीपाली को पहले जैसा सुंदर बना देती है। इस तरह उस दिन के बाद पूजा अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहने लगती है और यहाँ पर दीपाली और उसकी माँ भी उसके अच्छे पड़ोसी बन जाते हैं और उनके सुख दुख में काम आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक ना एक दिन हमें अपने कर्मों की सजा अवश्य मिलती है।